नमस्ते, हूँ आदर्श छूँ। वेलकम टू आदर्श एजुकेशन सोसाइटी। हेलो डियर स्टूडेंट, स्टैंडर्ड सेकेंड, सब्जेक्ट इंग्लिश, यूनिट 4। टुडे वी विल स्टार्ट अवर न्यू स्टोरी, स्ट्रॉम इन द गार्डन। हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? स्टैंडर्ड सेकेंड, सब्जेक्ट इंग्लिश। टुडे वी विल स्टार्ट अवर यूनिट 4 स्टोरी। नाउ लेट्स सी द नेम ऑफ द स्टोरी, स्ट्रॉम इन द गार्डन। नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रॉम? स्ट्रॉम का मीनिंग बताया आपको? हाँ, बहुत ही तेज हवा आती है, बहुत ही तेज बारिश आती है, तब तूफान, आंधी तूफान कहते हैं ना, उसको कहते हैं हम स्ट्रॉम। स्ट्रॉम इन द गार्डन, तूफान। गार्डन में एक तूफान आया है, तो कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना? नाम सुनते ही हमें तो इंटरेस्ट हो रहा है कि ये स्टोरी में, आर सो एक्साइटेड टू नो अबाउट दिस स्टोरी, कि स्टोरी में क्या होगा। तो बच्चों चलो जल्दी से ओपन करो हमारी टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 62, स्ट्रॉन्ग इन द गार्डन, दिस वन, राइट, दिस वन। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट अवर स्टोरी, राइट। स्ट्रॉन्ग इन द गार्डन देर इज अ वन स्नेल। एक स्नेल और एंट और तूफान के बारे में यह स्टोरी है। बहुत ही मजा आने वाला है बच्चों। यू हैव टू पॉइंट आउट योर फिंगर ऑन योर टेक्स्ट बुक। मैं जैसे जैसे रीड करते जाऊं आपको पॉइंट आउट करते जाना है, और पॉइंट आउट करते करते रीड करते जाना है, राइट। ओके, फर्स्ट थिंग, यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लू कलर में ब्रैकेट लिखा हुआ है, तो चलो पहले हम ब्रैकेट रीड करते हैं और फिर हमारी स्टोरी स्टार्ट करते हैं, राइट। सुनो सुनो, द स्नेल इज प्लेइंग विद हिज फ्रेंड। तो यहाँ पे एक एक्शन क्रिएशन है कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो सुनो सुनो, एक स्नेल है। स्नेल तो आपने देखी है ना, यहाँ पे देखिए, यस दिस इज द स्नेल। ये हम ज्यादातर रेनी सीजन में देखते हैं, राइट। तो रेनी सीजन में स्नेल्स बहुत ज्यादा देखने हैं, आपने देखी है ना स्नेल। ओके, तो सुनो सुनो, द स्नेल इज प्लेइंग विथ हिज फ्रेंड द एंट्स। सडनली देयर इज अ स्टॉर्म। ही हरीज टू हिज मदर एंड टेल्स हर ऑल ही सो हियर्ड, राइट। तो यहाँ पे पूरी स्टोरी ऐसे ही क्रिएट हुई है। स्नेल होता है, उसका नाम सुनो सुनो होता है। सुनो सुनो अपने एंट्स फ्रेंड के साथ खेलता है, और अचानक से स्ट्रॉम यानी कि तूफान आता है गार्डन में। तो जल्दी से वो भाग के अपनी मम्मा के पास, मदर स्नेल के पास जाता है, और अपनी पूरी जो उसने देखा है, जो उसने सुना है, जो सब जो फील किया है, वो सब अपनी मम्मा को वो कहता है, राइट। तो उसके बारे में ही ये स्टोरी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारी स्टोरी, राइट चिल्ड्रन। ओके, द फर्स्ट लाइन वी आर स्टार्टिंग, प्लीज पॉइंट आउट योर फिंगर ऑन द स्टोरी, राइट। सुनो सुनो द स्नेल वॉज विजिटिंग हिज फ्रेंड। सुनो सुनो द स्नेल है, वो अपने फ्रेंड्स एंड उसके फ्रेंड थे ना, तो उसको मिलने के लिए वो जाता है, राइट। द एंट्स, राइट, दे क्लाइम्ड ओवर हिम। They climbed under him. हम ज्यादातर बहुत सारे दिनों के बाद हमारे फ्रेंड्स को मिलने जाते हैं, तो कितनी एक्साइटमेंट होती है ना, एक्साइटमेंट, बहुत ही खुशी होती है। हम इतना खुश फील करते हैं, तो हम खुशी के मारे क्या करते, हे वाओ, कितना एक्साइटमेंट होता है फ्रेंड्स को मिलने का। तो ये सारे एंट्स भी स्नेल को देख के इतनी एक्साइटेड हो गई थी, तो वो जल्दी से स्नेल के ओवर, उसके ऊपर जो उसकी शेल होती है, राइट। तो शेल यहाँ पे आप देख सकते हो पिक्चर, उसके ओवर और उसके अंडर नीचे भी, वहां पे जल्दी जल्दी जाती है और हे 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 चिल्लाती है, और खुशी के मारे वो लोग ऐसे कहते हैं, राइट। सडनली अ ग्रेट व्हाइट फ्लैश क्रैश्ड थ्रू द क्लाउड। सडनली क्या होता है, अचानक से क्या होता है पता है? सडनली अ ग्रेट व्हाइट फ्लैश, इतनी बड़ी सी व्हाइट फ्लैश होती है, बहुत ही चमकदार बिजली जैसा, राइट। बादलों के बीच में बिजली जैसे एक कड़कड़ाहट होती है और एक फ्लैश लाइट होती है, राइट। ओके, सुनो सुनो क्विकली पुल्ड इन हिज हेड, पुल्ड इन हिज टेल एंड सैट वेरी स्टिल। तो जल्दी से वो सुनो सुनो तो बहुत ही घबरा गया, इतना डर गया था। क्विकली उसने अपना हेड, जो उसका हेड होता है, अपने आप को पुल करके उसके शेल के ढांचे में अंदर खींच लिया, और पीछे से अपनी टेल को भी खींच ली और अंदर शेल के अंदर घुस गया, ऐसे बैठ गया था, राइट। तो अंदर ही वेरी स्टिल ऐसे स्टिक करके वो बैठ गया था।
यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो होता है ये उसका शेल है, राइट। तो ये ढांचे में वो अपने आप को ऐसे अंदर पुल कर सकता है, अपने आप को पूरा, फिर वो सर्कल, सिर्फ आपको यही लगेगा ये शेल ही है, आपको ये सुनो सुनो नहीं दिखाई देगा। जब वो अपने आप के पूरी बॉडी को ऐसे अंदर डाल देगा तो वो दिखाई नहीं देता है, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज इज 63। आउटसाइड द स्काई ग्रे डार्क एंड द क्रो फ्लाई पास्ट का का का। आउटसाइड क्या होता है, वो तो इनसाइड ही था, वो डर के मारे तो अंदर चला गया था। तो बाहर वो क्या सुनता है, सिर्फ वो सुनता है जो हियर करता है, वो कहता है आउटसाइड द स्काई ग्रे डार्क। इतना ग्रे डार्क हो गया था स्काई, जब बारिश आती है तो क्या होता है, पूरा जो स्काई होता है वो पूरा ग्रे हो जाता है ना ग्रे। और क्रोज, जो क्रोज होते हैं वो फ्लाई करके उसके पास, स्नेल के पास से वो निकल रहे थे। तो कैसे कर रहे थे, पास्ट होते का का का, यस। तो क्रो की आवाज कैसी होती, का का का, ऐसे वो लोग फ्लाई कर रहे थे, राइट। ओ बट वेर वेर द एंट्स, तो सुनो सुनो को तो अचानक से आइडिया था कि ये मेरी एंट्स कहाँ गई, वो क्वेश्चन करते है कि ये कहाँ गए। सुनो सुनो स्टक आउट हिज फिल्टर एंड लुक्ड फॉर हिम, तो अचानक से वो जल्दी से वो अपनी जो फिल्टर हो, तो एक ऑर्गन होता है जो उसके टेस्ट के लिए होता है, एक एक बॉडी पार्ट जैसा ही होता है, एनिमल्स के पास फिल्टर्स होते हैं, फिलर्स, एंड लुक देम, वो बाहर निकालता है अपने ढांचे में से, वो बाहर निकाल के वो देखता है। दे वेर हाइडिंग अंडर द फ्लावर पॉट, तो वो लोग कहाँ थे, फ्लावर पॉट, जो फूलों का जो पॉट होता है उसके नीचे, अंडर द फ्लावर पॉट, वहां पे वो लोग हाइड, ऐसे हाइड करके बैठे हुए थे, राइट। गो होम सुनो सुनो द एंट्स क्राइड आउट, तो एंट्स उसकी फ्रेंड थी, वो बहुत ही चिंता कर रहे थे कि ये सुनो सुनो एक तो अकेला है वो, तो जल्दी से वो लोग चिल्लाते हैं कि सुनो सुनो तुम घर चले जाओ, गो होम, प्लीज गो एट योर होम, हरी हरी योर मदर विल वरी, वो लोग चिल्लाते हैं हरी हरी जल्दी जल्दी जाओ अपने घर पे, तेरी मम्मी वरी करेगी, चिंता करेगी, बहुत ही बाहर बारिश आ रही है, राइट, और बहुत ही तेज हवा है, तो ऑब्वियसली हमारी मम्मा कितनी परेशान होती है कि हम जब बाहर जाते हैं तो मम्मा बहुत परेशान हो जाती है, इसलिए एंट्स ने भी यही कहा कि तुम हरी हरी जल्दी जल्दी जाओ अपने घर पे, वरना तुम्हारी मम्मी वरी करेगी, वरी मतलब चिंता करेगी, राइट। ओके, सुनो सुनो वेंट टू हिज मदर वेयर शी सेड, सुनो सुनो जल्दी जल्दी जाता है अपनी मम्मा के पास जहां पे उसकी मदर बैठी हुई होती है, राइट। सेट वेयर शी सेट अंडर अ स्टोन नियर द वेल, तो उसकी मम्मा कहाँ पे बैठी हुई थी, स्नेल की मम्मा, सुनो सुनो की मम्मा, अंडर द स्टोन, एक स्टोन है उसके नीचे बैठी हुई, जो स्टोन वेल के पास है, वेल यानी कुआ, पानी होता है ना कुआ, हाँ, जहां से हमें वाटर मिलता है, तो कुएं के पास एक स्टोन है, स्टोन के नीचे, अंडर अंडर स्टोन के नीचे वो बैठी हुई होती है, राइट। अम्मा सेड सुनो सुनो देयर्स अ स्टॉर्म इन द गार्डन, वो इतना डर गया था, जल्दी जल्दी मम्मा के पास जाता है और कहता है अम्मा आपको पता है गार्डन में एक स्टॉर्म आया था, स्टॉर्म का मतलब क्या कहा था मैंने, तूफान, हाँ मम्मा गार्डन में एक तूफान आया था, आई हियर द विंड ब्लो ब्लो ब्लो, मैंने तो एक विंड को ऐसे ब्लो करते हुए सुना था, तो वो एक घबराहट के मारे, जब आप कहते हैं ना जैसे कि आपका होमवर्क हुआ नहीं है, तो आपके मम्मा मेरा होमवर्क 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 नहीं हुआ है, ऐसे ये सुनो सुनो की भी एक हैबिट है, तो वो क्या कहता है, वो कहता है आई हियर द विंड ब्लो ब्लो ब्लो, ऐसे वो 2-3 times ऐसे कंटिन्यू करते जाता है अपने वर्ड्स को, ओ ओ ओ देखा, आई हियर द विंड ब्लो ब्लो ब्लो, ओ ओ ओ, आई सो ट्री शव 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 शय शय शे, शी इज टेलिंग, वो उसके मम्मा को कह रहा है, सब अम्मा को कह रहा है कि स्टॉर्म कैसा आया था गार्डन में, वो सारी अपनी फीलिंग्स जो उसने हेयर किया था, जो उसने सुना था, वो सारी अपनी मम्मा को वो कह रहा है कि उसने क्या क्या सुना था, राइट। आई सो अ लाइटिंग फ्लैश 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 झेक झेक झेक, अब लाइटिंग को वो क्या कहता है, फ्लैश, अचानक से वो फ्लैश हुए थे तो डर गया था ना, तो अचानक से झपाक से फ्लैश हुई थी, तो वो कहते हैं फ्लैश 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 झक झक झक,
ओके नाउ टर्न योर पेज एंड 64 राइट. आई हियर अ थंडर रोल 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 थंडर. बहुत ही तेज बारिश आती है तो होता है थंडर. यस गड़म 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 गुड़म गड़म गुड़म. थंडर की आवाज कैसे आती है? वो स्नेल यानी कि सुनो सुनो वो कहता है कि थंडर की आवाज कैसे थी? गड़म गुड़म थी. हाँ आई हियर रेन फॉल 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 सिट सिट पिट पिट सिट सिट पिट पिट. रेनफॉल बाद में पहले क्या होता है? पहले तो बहुत ही तेज हवा आती है. जैसे ही तेज हवा आती है तो धीरे 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 बिजली कड़कती है. बिजली फ्लैश यानी कि ब्राइट फ्लैश होती है और फिर बारिश स्टार्ट होती है. तो बारिश स्टार्ट होती है तो कैसे रेनफॉल स्टार्ट होता है? कैसे छिट 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 पिट 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 छिट 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 पिट 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 होता है ना. ऐसे ड्रॉप्स कैसे ऊपर से ऐसे गिरते हैं? छिट 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 पिट 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 छिट 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 पिट पिट पिट. हाँ ऐसे ही. तो वो अब सारी बातें अपनी अम्मा को कह रहा है. राइट. आई हियर वॉटर ड्रिप 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 प्लिप 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 ड्रिप 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 प्लिप प्लिप प्लिप. राइट. तो वॉटर ड्रॉप होता है तब कैसे साउंड आती है? आपने कभी सुना है? नहीं. आप सुनना बहुत मजा आता है. जब बारिश आती है तो उसकी जो हवा की आवाज होती है, एयर का आवाज, विंड का आवाज जो होता है वो भी सुनना चाहिए. फिर वॉटरफॉल का आवाज जो होता है वो सुनना चाहिए. फिर बिजली कड़कती है, राइट, फ्लैश होता है, तब आपने देखा होगा कैसे गुड़ूम आवाज आती है ना. ये सारे जो साउंड्स होते हैं ना वो आप जैसे ऑब्जर्व करोगे ना बहुत ही मजा आएगा. देखो ये स्नेल ने सुनो सुनो ने कैसे सब ऑब्जर्व किया. तो आपको भी ऐसे ऑब्जर्व करना चाहिए. राइट. तो फिर आपको मम्मा को बता सकते हो, मुझे बता सकते हो. राइट. कि आपने क्या क्या सुना है. राइट. नाउ कंटिन्यू आवर लेसन. राइट. आई हियर्ड वॉटर ड्रिप 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 प्लिप प्लिप प्लिप. इट वॉज द बिगेस्ट स्टॉर्म सुनो सुनो हैड एयर एवर बीन इन ओ ओ ओ शे शे शे. अब वो कभी सुनो सुनो ने ऐसा स्ट्रॉम नहीं देखा था, ऐसा तूफान कभी उसने नहीं देखा था. इसलिए उसे बहुत ही नया नया लग रहा था क्योंकि कभी उसने ऐसा फील ही नहीं किया था ऐसा कुछ होता है. तो वो सारी बातें अपनी अम्मा को कहता है. राइट. बिगेस्ट स्ट्रॉम सबसे बड़ा बिगेस्ट सबसे बड़ा स्ट्रॉम ऐसा भयानक सा स्ट्रॉम था जो सुनो सुनो ने फर्स्ट टाइम ऐसा देखा था. इसलिए वो कहता है, वो सारी अपनी बातें कहता है. ओ ओ ओ शे 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 झक 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 गुड़ुम गुड़ुम शिट 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 पिट 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 शिट 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 पिट 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 प्लिप प्लिप प्लिप. नाउ लेट्स कंटिन्यू अगेन. एंड डू यू नो व्हाट सुनो सुनो डिडंट गेट वेट. डू यू नो व्हाई? व्हाई? बिकॉज ऑफ उसकी शेल. उसकी जो शेल थी उसके कारण वो गीला ही नहीं हुआ था, वो वेट हुआ ही नहीं, ड्राई रह गया. क्यों? क्योंकि वो अपनी बॉडी को पूरा कवर करके वो शेल के अंदर घुस जाता है, अंदर चला जाता है. इसलिए उसे वेट वो गीला ही नहीं हुआ. इतनी बारिश आई, इतना स्ट्रॉन्ग थंडर हुआ, लेकिन वो अपनी बॉडी को आराम से बचा सका बिकॉज ऑफ इट्स शेल. उसकी शेल कैसी होती है? उसकी हेल्प से वो अपनी प्रोटेक्शन कर सकता है और अपने आप को थंडर से विंड से वो बचा सकता है. राइट. ओके नाउ दिस लेसन इज कंप्लीट. आई होप यू एंजॉय दिस स्टोरी एंड प्लीज रीड एट होम एंड टेल योर मॉम एंड डैड हाउ वॉज द स्टोरी. एंड आपको ट्राई करना है रीड करके, आप मम्मा को पापा को आपके पेरेंट्स को सुना सकते हो ये स्टोरी. बहुत मजा आने वाला है. राइट चिल्ड्रन, एंजॉय द स्टोरी. राइट चिल्ड्रन, लेट्स सी द न्यू वर्ड्स ऑफ दिस स्टोरी. स्ट्रॉन्ग इन द गार्डन, न्यू वर्ड्स स्नेल. नाउ लेट्स सी द मीनिंग ऑफ स्नेल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्नेल? अ स्मॉल एनिमल विद अ राउंड शेल. सो चिल्ड्रन यू हैड सीन द पिक्चर, आपने पिक्चर में देखा था स्नेल के ऊपर उसके बॉडी के ऊपर ऐसे कैसे ढांचा जैसा था. यस, उसे क्या कहते हैं? वो शेल होता है. शेल उसके प्रोटेक्शन के लिए होता है, वो अपने सेल्फ को प्रोटेक्ट करे इसलिए वो शेल होता है. उसे ऐसा एनिमल जो होता है उसे कहते हैं स्नेल. और ज्यादातर स्नेल आपको रेनी सीजन में देखने को मिलते हैं. राइट. ओके नेक्स्ट इज डार्क. नाउ लेट्स सी द मीनिंग ऑफ डार्क. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डार्क? अंधेरा, बहुत ही अंधेरा. विथ लिटल और नो लाइट.
यानी कि बहुत ही कम रोशनी, बहुत ही कम, जिसमें पूरा हम क्लियरली देख नहीं सकते हैं, या फिर पूरा डार्क, अंधेरा, फुल डार्क, नो लाइट, राइट। नाउ नेक्स्ट इज फिलर्स। नाउ लेट्स सी द मीनिंग ऑफ इट। अ एनिमल ऑर्गन दैट इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग थिंग्स बाय टच। उनके पास ऐसी टच करने से एक ऐसा ऑर्गन होता है जिससे वो टेस्ट कर सकता है। ऐसे एनिमल का एक ऑर्गन है। नेक्स्ट इज नंबर फोर, स्ट्रॉन्ग। अ वायलेंट वेदर विद स्ट्रॉन्ग विंड। स्ट्रॉन्ग यानी कि आंधी, तूफान कहते हैं ना, बहुत ही ज्यादा हवा हो, साथ में बारिश भी चालू हो, बहुत ही स्ट्रॉन्ग और वायलेंट, हम कह सकते हैं बहुत ही ज्यादा हवा ज्यादा है, पानी और बारिश बहुत ही हो रही है, तो उसे कहते हैं वायलेंट वेदर विद स्ट्रॉन्ग विंड। वेरी स्ट्रॉन्ग विंड, बहुत ही ज्यादा तेज हवा आती है, राइट। नेक्स्ट इज नंबर फाइव, लाइटनिंग। ब्राइट फ्लैश विद थंडर। जब बहुत ही ज्यादा बारिश आती है, राइट, तो पता है बिजलियाँ होती है, बिजली होती है ना स्काई में, आपने देखी होगी, राइट, तो बिजली होती है, हमें उसे कहते हैं लाइटनिंग। ब्राइट फ्लैश, बहुत ही अचानक से सिर्फ फ्लैश होता है, बहुत ही अचानक से व्हाइट फ्लैश क्लाउड्स के बिटवीन से ऐसे निकलता है, ऐसा हमें दिखता है। ब्राइट फ्लैश विद थंडर। नेक्स्ट इज थंडर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थंडर? क्रैशिंग नॉइज आफ्टर फ्लैशिंग। तो लाइट्स की फ्लैश होती है, उसके साथ जो एक आवाज आती है, कड़ा जो कड़कड़ाहट एक आवाज आती है ना, उसे कहते हैं So we had learned today new words and their meanings of this story. Let's remember one more time. Snail, it means a small animal with a round shell. Dark, it means with little or no light. Number three, fillers, an animal organ that is used for tasting things by touch. And number four is strong, a violent figure with strong wind. Number five, lightning. Bright flash with thunder. And number six is thunder, crashing noise after lightning. Okay, now here our new words are coming. Thank you for joining us.